रहीम डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ख़ैरियत से होंगे आज हमारा दूसरा चैप्टर है ये और ये हलमश टू पॉइंट वन है इसमें से जो है इस चैप्टर में से सकीम के मुताबिक इसमें से तीन जो है शार्ट क्वेश्चन दो शार्ट क्वेश्चन आने हैं दो एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने इस चैप्टर को ग़ौर से समझना है इसमें वो पहला सवाल दे रहा है टू पॉइंट वन एक्सरसाइज में से ये शार्ट एम सी क्यूज ये शार्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको मसाव में कहता है कि भाई फर्क को निंदा मालूम करें तो आपने जो है इधर से ग़ौर से समझना है और आपके जो है ग़ौर से समझने के बाद ही आपको शार्ट क्वेश्चन आ जाएँगे इन तो फर्स्ट सवाल वो कहता है मंदरज़ैल दी हुई मंदर जजैल मंदरज़ैल दी हुई दो दर्जी मसावतों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें तो हमने जो है इसका फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है तो आपको पता होना चाहिए कोई जुमला है तो उसका जो फ़र्क कुनिंदा होता है वो होता है बी स्के आर माइनस चार ए सी तो आपके पास ये मसावत दी गई है टू एक्स उसके प्लस तीन एक्स माइनस वन इज़िकल टू ज़ीरो तो ये इसका जो है आपने मुवजना कर लेना है दो दर्जी मसावत के साथ तो ये दो दर्जी मसावत जो है ये आपका आ जाएगा ए टू के बराबर उसके बाद बी जो है ये तीन के बराबर आ जाएगा और सी माइनस वन के तो आपने जस्ट यही करना है फ़र्क निनदा लिखना है फ़र्क उन्दा के बाद ये कीमतें ये जो फ़र्क निनिंदा मैंने आपको बताया है ये वही लिख देना है और आपने जो है इसकी जगह पर बी की जगह पर बी की कीमत का सिक्यार लिख देना है तो ये कितना आ जाएगा तीन का सिक्यार माइनस चार एक की जगह पर एक की कीमत और सी की जगह पर सी की कीमत अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आपके पास एट आ जाएगा इसका आपने स्क्वायर ले लेना है तो ये आपके पास नाइन आ जाएगा इसको प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास सेवनटीन आ जाएगा ये आपके पास आंसर है इसी तरह दूसरा सवाल है इसमें वो, वो कह रहा है छः एक्सुके आर मैनस आठ एक्स प्लस तीन इज इक्ल टू जीरो तो इसमें भी जो है आपने यही कर लेना है इसको ए के बराबर कर लेना है इसको बी के और इसको सी के अब इनको जो है आपने ए बी सी के बराबर कर लेना है इसके बाद जो है आपने वही फ़र्क निनिंदा यही लिखना है और फिर आपने कीमतें दर्ज कर देनी है आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा ये जो है ये आपका फ़र्क निंदा है आपने बी सू के आर माइनस चार ए सी लिख दिया है अब आपने जो है बी की जगह पर बी की कीमत बी की कीमत आठ थी बी की कीमत आठ थी आपने पीछे देखा उसके बाद आपने माइनस चार लिख दिया फिर छः फिर तीन ये जो है ए की और सी की कीमत लिख दी अब आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर हो, होता है छः तीन अठारह और अठारह को चार से ज़रब दिया तो ये बहत्तर आ गया अब चौंसठ में से बहत्तर निकाल लिया तो आपके पास माइनस आठ ये आपके पास आंसर आ गया इस तरह फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि नाइन एक्स की दो माइनस तीस एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज़िकल टू जीरो तो आपने जो है इसको भी ए बी सी के बराबर कर लेना है दो दर्जी मसाद के साथ इसका मुआजना कर लेना है ये आपके पास ए की कीमत बी की कीमत की की और सी की कीमत आ गई आपने फ़र्कनिंदा लिखना है फ़र्क बी सो के माइनस चार ए सी के बराबर होता है बी की जगह पर आपने बी की कीमत लिख दी बे की कीमत माइनस थर्टी है ये जब आप मुबल लोगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो थर्टी को थर्टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो नाइन हंड्रेड आ जाएगा उसके बाद माइनस माइनस आ गया फोर फोर सिक्सटीन और सिक्सटीन को ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया तो नाइन हंड्रेड आपके पास आ जाता है अब आपने नाइन हंड्रेड में से नाइन हंड्रेड निकाल लेना है तो आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाता है इसका जो है ये आपके पास सिफिर आंसर आ जाता है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह का है ये जो चार क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसके बाद फ़ोर एक्स की दो माइनस सात एक्स माइनस दो इज़िकल टू ज़ीरो तो ये जो है इसका भी आपने मुआजरा करना है दो दर्जी मसावात के साथ उसी तरह कुनिंदा आपने मालूम करना है इसकी कीमतें लिख देनी है माइनस सात एक्स की दो माइनस चार इन टू फोर एंड इन टू माइनस टू तो इनको जो है आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सात की जगह पर यह उनचास आ जाएगा सो ये माइनस ये माइनस तो माइनस माइनस इधर प्लस आ जाएगा फ़ोर फोर ज़्यादा सिक्सटीन और सिक्सटी रोज़ा थर्टी टू तो ये जो है आपने उनचास और थर्टी टू को प्लस कर लेना है तो ये आपके पास एटी वन जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं दूसरे सवाल में वो कहता है मंदर जजैल दी हुई दो दर्जी मसावात के रूट की अकसाम मालूम करें और मसावतों को हल करके रूट्स की तस्दीक करें सवाल है एक्सकअर ये है मैनज़ तेईस एक्स प्लस वन ट्वेंटी इज़िकल टू सिफ़िर तो अब आपने जो है ये इसको भी दो दर्जी मसावत के साथ मुजन कर लेना है बस इसमें उसने इबारत दी हुई है बाकी उसी तरह का है अब आपने जो है इसको मालूम कर लेना है दो दर्जी मसाव के साथ आप मुजना कर लें तो ए आपके पास एक के बराबर आ जाएगा बी आपके पास मैनज़ तेईस के बराबर आ जाएगा और सी वन टवेंटी के बराबर आ जाएगा अब आपको पता है कि फ़र्कनिंदा किस चीज़ के बराबर होता है बी बीस ओकेर माइनस चार ए सी के अब आपने बीस ओकेर की जगह पर बीस उपयर की कीमत लिख देनी है माइनस की जगह पर माइनस चार ए सी चार की चार की जगह पर चार ए की, की जगह पर ए की कीमत और सी की जगह पर सी की कीमत अब आपने जो है इसका मुरबा ओपन कर लेना है तो ये तेईस तेईस मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है पाँच सौ उनतीस अब आपने माइनस कर लेना है फोर वनजा फोर और फोर वनजा वन ट्वेंटी फोर एटी हो जाएगा तो ये आपने जो है पाँच सौ उनतीस में से चार सौ अस्सी निकाल लेने हैं तो ये आपके पास उनचास आ जाता है उनचास का आप जब आप मुरबा लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेवन मल्टीप्लाई सेवन उनचास तो ये जो है ये आपके पास सात की दो आ जाएगा सात के ऊपर सिकार आ जाएगा तो ये जो है ये मुरबा बना हुआ है सात का मुरबा जो है वो बड़ा होता है ज़ीरो से सात का मुरबा बड़ा होता है ज़ीरो से हमने पीछे कुछ कानून पढ़े हुए हैं और ये उसी पर जो है अब देखते हैं क्योंकि फ़र्किंदा मुसबत है फर्क फ़र्कनिंदा हमारे पास क्या है मसबत है उनचास एक मसबत अदादा है और मुकम्मल मुरबा है उनचास को हमने सात के मुरबे की शक्ल में लिख दिया है यह मुकम्मल मुरबा है इसलिए रूट रूट्स की नातिक और ना बराबर होंगे मसावात की तस्दीक बजरिया हल अब जो है हम तस्दीक करते हैं और इसको हल करते हैं लास्ट में हमने पढ़ा था कि मसाव के जो मुरबा है रूट्स हैं वो हकीीकी और नातिक हैं और उनके जो जवाब होंगे वो ना बराबर होंगे तो आपके पास ये मसावत थी एक्स स्क्यार माइनस तेईस एक्स प्लस वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो अब आपने जो है क्या करना है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है ये आपके पास आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स स्क्यार अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वन ट्वेंटी एक्स आए और अगर आप माइनस करें तो आपके पास प्लस माइनस करें तो ट्वेंटी थ्री एक्स आ जाए तो आपने जो है जोड़े बना बना लेने हैं आपका एक जोड़ा बन रहा है माइनस पंद्रह एक्स और माइनस आठ एक्स तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास एक सौ बीस एक्स की दो आ जाता है और जब आप माइनस करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं अलामत माइनस की आती है आठ आठ और पंद्रह ये तेईस हो जाते हैं तो अब आपने इधर से क्या करना है इधर से एक्स कॉमन ले लेना है इधर एक एक्स आ जाएगा माइनस पंद्रह उसके बाद मैंने से आपने बाहर ले लेना है इसमें से आठ मुशतरक ले लेना है एक्स अंदर रह जाएगा और पंद्रह आठ एक सौ बीस तो ये आपका ज़ीरो के इज इक्ल टू हो जाएगा अब आपने इन दोनों की एक ब्रैकेट बना लेनी है और इन दोनों को मुश्तरक ले लेना है इनमें से अब ए ये मुशरक आ गया और ये ब्रैकेट आ गई ये ज़ीरो के बराबर हो गए अब एक बार इसको हमने ज़ीरो के बराबर करना है और एक बार इसको फिर हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे जब इसको हम जीरो के बराबर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस आठ इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाता है तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया दूसरा आंसर हमारे पास ये आता है एक्स माइनस पंद्रह है तो पंद्रह इधर माइनस का है दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा ये हमारे पास जो है ये दो आंसर आ गए हैं हमने जो है कुछ पीछे देखा था पीछे हमने बताया था कि नातिक और ना बराबर होंगे तो ये जो दोनों अदद हैं ये नातिक हैं और ना बराबर हैं तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसमें जो है हम बता रहे हैं पस रूट्स नातिक और ना बराबर हैं उसके बाद दूसरा सवाल है दूसरे सवाल के बु, को भी सेम इसी तरीके से करना है दूसरे सवाल में इसने बताया है दो एक्स की दो प्लस तीन एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो तो इसको जो है आपने दो के साथ मुवजना कर लेना है मुवजना करने के बाद आपने बी सुर माइनस चार ए सी फिर वही फ़र्क उंदा मालूम करना है ये जि जि मालूम हुआ हुआ है तीन का स्क्वायर नौ आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास छप्पन आ जाता है और ये आपके पास संताली आ चुका है चूँकि संताली एक नामुकम्ल मरबा है सन्तालीस एक नामुकम्मल मुरबा है इसका मुरबा नहीं लिया जा सकता क्योंकि फ़र्क निंदा मनफी में है उसके बाद ये मनफ़ी में भी है मस्बत नहीं है इसलिए रूट्स गैर गैरहक और ना बराबर होंगे अब जो है हम इनकी तस्दीक करते हैं हमने बताया है कि ये ग़ैर हकीकी और ना बराबर होंगे ना बराबर हैं तो हमारे पास दो दर्जे मसाव थी एक्स सू के आर दो के आर प्लस तीन एक्स प्लस सात इजिकल टू जीरो तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है उसके ज़रिए जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये एक्स सके आर माइनस बी अंडर रूट बी सके आर माइनस चार ए सी ओवर टू ए तो इज़िकल टू ये जो है आपने बी की जगह पर बी की कीमत लिख देनी है और आगे वो कीमतें लिख दी जानी हैं मैनेस की जगह मैंने इस लिख देना है चार की जगह चार एक की जगह दो और सी की जगह सात लिख देना है बटे में जो है दो की जगह दो एक की जगह पर आपने एक की कीमत दो लिख देनी है अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाता है तीन का स्क्वायर नाइन आ जाता है और ये आपके पास छप्पन आ जाता है तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ रहा है और यही जो है ये आपके पास आंसर है अब आंसर में देखें तो इसके जो है दो जवाब बन जाते हैं एक बार हमने प्लस लिख देना है और एक बार माइनस तो ये जो है ये हकीकी हैं तो ये जो है बस ये ग़ैर हकीकी और ना बराबर हैं यानी कि ये जो है इसका एक ही जवाब आया है उसके बाद दूसरी तरफ़ बढ़ते हैं अगला सवाल है वो भी इसी तरह हल करना है इसमें वो कहता है कि सोलह एक्स की दो माइनस चौबीस एक्स प्लस नौ बराबर है ज़ीरो के तो इसका भी आपने दो दर्जी मसाव के साथ मुवाना कर लेना है मुआजन करने के बाद आपने जो है फ़र्कनिंदा मालूम करना है फ़र्कनिंदा आपके पास होता है माइनस बीस उकेर बीसर उके माइनस चार ऐसी तो आपने बी की जगह पर बी की कीमत माइनस चौबीस लिख देनी है जब आप चौबीस को मल्टीप्लाई करते हो तो चौबीस चौबीस ये आ जाता है पाँच सौ छिहत्तर ये जो है अब प्लस का आ जाएगा उसके बाद ये माइनस है आगे माइनस नहीं तो ये माइनस आ जाता है अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये भी आपके पास पाँच सौ छिहत्तर आ जाता है ये भी पाँच सौ छिहत्तर ये भी पाँच सौ छिहत्तर तो पाँच सौ छिहत्तर में से पाँच सौ छिहत्तर कर लिए जाए तो आपके पास ज़ीरो आ जाता है अब देखते हैं इसकी कंडीशन आगे क्या बनती है क्योंकि फर्क फ़र्कनिंदा सिफ़र है इसलिए रूट्स हकीकी ना बराबर हकीकी नाते और बराबर होंगे यानी कि इसका जो है अब जवाब जो भी आएंगे वो बराबर होंगे तो मसावात की तस्दीक करते हैं हमारे पास ये मसावत थी अब इस मसावत में हमने जो है दो दर्जी फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है अब ये जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें आपने कीमतें दर्ज कर देनी है बी की जगह पर बी बी ये जो है बी माइनस का है और बी की, की कीमत भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में ये उसी तरह आ रहा है चौबीस का शुक्र आपके पास ये आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है दो को सोलह के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बत्तीस आ रहा है अब पाँच सौ छिहत्तर में से पाँच सौ छिहत्तर माइनस कर लिए जाएँ तो बाकी कितने हमारे पास रह जाते हैं सिफिर आ जाता है हमारे पास ये आ गया ये चौबीस का चौबीस अब जो है ये सिफिर प्लस का हो या माइनस का हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिफ़िर न्यूट्रल अदद है ये जो है ये चौबीस बटा बत्तीस आ गया और ये जो है ये हमारे पास आ गया है तीन बटा चार तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है बस रूट सके की नाते और बराबर हैं इसके बाद चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं चौथे सवाल में उसने कहा है तीन एक्स की दो मैनेस सात एक्स प्लस सात एक्स मैनेस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसका जो है आपने इसका वही तरीका इस्तेमाल करना है दो दर्जी मसाद के साथ इसका मुजन कर लेना है इसको ए के बराबर कर लेना है इसको बी के और इसको सी के बराबर कर लेना है उसके बाद आपने फ़र्कनिंदा मालूम करना है फ़र्किंदा आपको पता है किस तरह मालूम किया जाता है माइनस बी सकिया बी सुखिया माइनस चार ए सी अब बी की जगह पर आपने बी की कीमत लिख दी है मैनेस और सी की जगह पर यह कीमतें लिख दी तो सात का जो मुरबा है वो आ जाता है उनचास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है इनको मल्टीप्लाई किया तो एक सौ छप्पन आ जाता है अब इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास दो सौ पाँच आ जाता है जो बड़ा है ज़ीरो से चूँकि फ़र्क कनिंदा मुसबत और मुकम्मल मुरबा नहीं है ये एक मुकम्मल मुरबा नहीं है इसलिए रूट शकी नातिक और ना बराबर होंगे गैर नातिक गैर नातिक और ना बराबर होंगे तो हम तस्दीक करते हैं कि क्या ये नातिक हैं और ना बराबर भी हैं या नहीं तो इसके लिए हमने जो है उसी पहली जो मसावत दी गई है उसको जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हल करना है अब जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए पिछले चैप्टर में भी ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही होता है अब आपने जो है कीमतें दर्ज कर देनी है ये आपने कीमतें दर्ज कर दी हैं मैंने सात की जगह पर मैंने सात आगे भी इसी तरह आपने कीमतें तमाम दर्ज कर देनी है सात का स्क्वायर उनचास आ जाता है ये जो है ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई किया तो ये ट्वेल्व आ गया और थर्टीन और ट्वेल्व वन सिक्सटी वन फिफ्टी सिक्स आ गया ये सिक्स आ गया तो इनको आपने प्लस कर देना है तो ये आपके पास जो है ये क्या आ गया आंसर आ गया इससे जो है ये साबित होता है कि ये गैर नातक है और ना बराबर है चल ये हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यह थर्ड क्वेश्चन है ये पेपरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो इसमें वो आपको जो है दो दर्जी मसावत दे देता है कोई भी और कहता है कि भाई के की कीमत मालूम करें तो आप उ, को उसने जो है इस पर जो दी हुई है वो कहता है कि के, के की किस कीमत के लिए दिया गया जुमला ये जुमला है ये मुकम्मल मुरबा है तो आपने जो है के की कीमत ये फाइंड करनी है तो आपने जो है इसका जो है मुजन दो दर्जी मसावत के साथ कर लेना है ये जो है ये ए के बराबर आ जाएगा ये बी के बराबर और ये सी के बराबर तो ये आपके पास ए आ गया के सू के आर के बराबर बी आ गया दो इन टू एक्स प्लस वन और सी आपके पास चार के बराबर आ गया तो इसी तरह आपने इसका फ़र्क निंदा मालूम कर लेना है फ़र्क निनिंदे में ये आपने इसी तरह लिख दिया बी की जगह पर बी की कीमत माइनस की, की जगह माइनस चार की जगह चार ए की जगह पर ए की कीमत और सी की जगह पर सी की कीमत अब आपने जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया सिक्सटीन के स्क्यार ये आपने दो का मुरबा खोल दिया तो ये टू टू जा फोर आ गया उसके बाद इसको आपने इसी तरह लिख दिया अब इसको जो है हमने खोल लेना है जिस तरह हमने पढ़ा है ए प्लस बी सुर इज़ इक्वल टू प्लस टू ए बी प्लस बी सू तो इसी तरह आपने जो है इसको ओपन कर लेना है के सू प्लस टू के प्लस वन और ये उसी तरह का आ गया अब आपने जो है चार के साथ इस तमाम को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके पास आंसर आ गया अब जो है आठ के और सिक्सटीन के ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये आपके पास आठ के प्लस के बाकी रह जाएंगे माइनस के रह जाएंगे ये जो है ये आपके पास माइनस के बच जाएंगे ये आपके पास जो है ना ये आठ के ये तो इसी तरह आ गया लेकिन ये जो सोलह है ना इसके ऊपर स्कीयर है तो इसके ऊपर भी सिकियार है तो आपने जो है सोलह चार निकाल लेने हैं और सोलह में से बारह माइनस बारह के सर ये जो है ये आपके पास आ गया है फ़र्क कुनिंदा ऊपर से आपने फ़र्क कुनिंदा मालूम किया तो ये आपके पास फ़र्क कुनिंदा आ गया अब आगे देखें चौके दिया हुआ जुमला मुकम्मल मुरबा है यानी कि ये एक मुकम्मल मुरबा है इसलिए रूट्स नाते को और बराबर होंगे अब आपके पास जो फ़र्क कुनिंदा है वो ज़ीरो के बराबर है फ़र्क कुनिंदे का आपके पास ये जवाब आया हुआ है तो ये आपने वही जवाब इधर लिख देना है अब आपने क्या करना है इधर से मैंने इस बाहर ले लिया तो ये अंदर प्लस आ गए हैं अब उसके बाद आपने क्या कर देना है इसको मुकम्मल मुरबा बना लेना है इसको आपने मुकम्मल मुरबा बनाना है लेकिन अगर आप ना भी बनाएं तो इसमें कोई मसला नहीं अब आपने जो है इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया अब ये जो है इधर से आप मैनस निकाल रहे हैं बारह में से माइनस निकाल लिया तो अंदर वाले प्लस हो गए फिर सब को जो है ये भी मैनेस है बारह माइनेस का है अब आपने बारह को जो है बारह का मैनेस ख़त्म करने के लिए आपने अंदर तमाम को मैनेस से ज़रफ़ दे देनी है इधर मैनेस से ज़रफ़ दे देनी है तो ये मैनेस मैनेस प्लस हो जाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस आठ भी माइनस का हो जाएगा चार भी माइनस का हो जाएगा और ट्वेल्व प्लस का हो जाएगा उसके बाद आपने जो है इसके जो है अब आपने क्या कर देने हैं पार्ट बना देने हैं यानी कि आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए फोर फोर्टी एट के स्क्वायर और अग, अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास आठ आ जाए तो ये जो है ये आपके पास दो पार्ट बन गए हैं अब आपने जो है इसकी तजी कर लेनी है आपने इधर से ट्वेल्व और के को बाहर कॉमन ले लेना है आपके पास इधर के रह जाएगा और माइनस वन इधर से आपने फोर कॉमन ले लेना है इधर से आपके पास के रह जाएगा और माइनस वन फोर बाहर आ चुका है अब आपने जो है एक मरतबा इसको ज़ीरो के बराबर करना है और एक मरतबा इसको यह हुआ है इसमें जो है आ रहा है ट्वेल्व के प्लस फ़ोर टू ज़ीरो तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व के ये फोर इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा के आपके पास आ जाएगा फ़ोर ओवर ट्वेल्व ट्वेल्व इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा उसके बाद ये जो है ये आपके पास के माइनस वन के बराबर है तो ये माइनस वन दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा ये जो है ये आपके पास दो आंसर आ चुके हैं ये जो है ये आगे कट जाएगा इंशाल्लाह अगले जो तमाम क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे ये वीडियो 20 मिनट तक हो चुकी है इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक करते रहिए इंतज़ार और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर के थैंक्स